राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली एवं सबसे उन्नत भाषा है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1141 को एक माह से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की सबसे बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दुनिया की सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित हो रही भाषाओं में से एक है। वो सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है और एक एक भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है। हिंदी लिखने के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। हिंदी को संस्कृत शब्द संपदा एवं नवीन शब्द रचना सामर्थ्य विरासत में मिली है, लेकिन अभी तक हम इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बना पाए। आज उस मैकाले की वजह से ही हमने अपनी मानसिक गुलामी बना ली है कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। हमें हिंदी भाषा का महत्व समझकर उपयोग करना चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी ने सर अटॉर्नी मैकडोनल के सम्मुख हिंदी भाषा की प्रमुखता को बताते हुए कचहरियों में हिंदी भाषा को प्रवेश दिलाया। लोकमान्य तिलक जी ने हिंदी भाषा को खूब प्रोत्साहित किया। वो कहते थे अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए बच्चों को 60-8 वर्ष तक अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। जीवन के ये 8 वर्ष कम नहीं होते, ऐसी स्थिति विश्व के किसी और देश में नहीं है। ऐसी शिक्षा प्रणाली किसी भी सभ्य देश में नहीं पाई जाती है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा को उसका खोया हुआ सम्मान और गौरव दिलाने के लिए व्यक्तिगत स्तर से पहले चालू करनी चाहिए। राष्ट्रीय अभियानों, राष्ट्रीय नीतियों व अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान हेतु अंग्रेजी नहीं राष्ट्रभाषा हिंदी ही साधन बननी चाहिए। स्वभाषा की महत्ता बताते हुए हिंदू संत लोग कहते हैं, मैं तो जापानियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ भी अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं, और हम भारतवासी भारत में रहते हैं फिर भी अपनी हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में अंग्रेजी के शब्द बोलने लगते हैं। विदेशी भाषा के माध्यम का घातक बोझ इतिहास में एक सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। इस माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति हर ली है। विद्यार्थियों की